हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम सिंह मंडी हिमाचल से। स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस नई वीडियो में मैं बात करूंगा, मारुति सुजुकी स्विफ्ट है, डीजल वेरिएंट है, कार 2013 का वेरिएंट है। तो गाड़ी जो है 2017 हज़ार के 2,17,000 के आसपास चल चुकी है। तो इस गाड़ी में हम मेजर सर्विस करने वाले हैं और साथ साथ इसमें ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम है, उसको भी शॉर्ट आउट करेंगे। तो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम जो है, इस गाड़ी का जो रेडिएटर है वो लीक कर चुका है, तो उसको भी हम शॉर्ट आउट करेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा हम किस कंपनी के इसमें पार्ट यूज़ करेंगे और कौन कौन से पार्ट इसमें रिप्लेस होंगे। साथ साथ इसमें फ्रंट सस्पेंशन में भी नॉइस है, उसको भी हम ओके करेंगे और गाड़ी को ऑल ओके करेंगे। और गाड़ी में वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा, तो उसको भी हम चेक करेंगे और कस्टमर को बिल्कुल सेटिस्फाइड करके भेजेंगे, गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे और गाड़ी बिल्कुल ओके चले। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो भी है सारा इसमें वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, हमारे साथ बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें। सो यह कार है स्विफ्ट, ये 2,17,000 के आसपास चल चुकी है कार। ये गाड़ी हमारी मारुति सुजुकी स्विफ्ट स्विफ्ट है, डीजल वेरियंट है। इस कार में ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम है, तो हमने चेक किया था, इसका रेडिएटर लीक हो रहा है और रेडिएटर काफ़ी चौक है। इस कार में कार ओवर हीटिंग हो रही है। इस कार में भी कूलेंट ना के बराबर था और पानी था, पानी के कारण मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी। तो ये इस कार का रेडिएटर है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ से लीक हो चुका है, ये आपको दिख रहा होगा। और रेडिएटर आप देख सकते हैं अभी किस तरीके से रेडिएटर बिल्कुल चौक हो चुका है, कितना इसमें गंदगी लग चुकी है। और ये यहाँ से भी लीक है रेडिएटर है। तो अब इस रेडिएटर को हम देखते हैं रिपेयर कराएंगे कि चेंज करेंगे पार्ट को। बाकी इस कार की हम सर्विस करेंगे, वो भी आपको बताएंगे किस तरीके से हम इसमें पार्ट्स चेंज करते हैं और क्या क्या पार्ट्स चेंज कर रहे हैं और किस कंपनी के हम पार्ट्स में यूज़ करते हैं। सो फाइनली स्विफ्ट का रेडिएटर हमने क्लीन करा लिया है, आप चेक कर सकते हो। और इसका ये अपर पार्ट टैंक, अपर टैंक होता है, ये लीक था, ये भी चेंज करा लिया है, इसको हमने नए के साथ चेंज कर लिया है। तो ये रेडिएटर हम इस कार में स्विफ्ट में फिट करेंगे वापस, तो मिलते हैं फिटिंग के बाद और चेक करेंगे बीच में जो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम थी वो लीकेज, जो इसमें कार में लीकेज थी वो शॉर्ट आउट होती है। सो हमारा रेडिएटर इस कार में फिट हो चुका है, अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे चेक करने के लिए भी कार में कोई लीकेज तो नहीं है। और इसको हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके हम चेक करेंगे इसमें कोई लीकेज तो नहीं है। अगर हम लीकेज नहीं है तो उसके बाद हम गाड़ी की सर्विस करेंगे, उसमें कूलेंट रिफिल करेंगे और आपको इस वीडियो में बताएंगे भी किस किस स्टेप से हम इसके फिल्टर खोलते हैं और क्या क्या पार्ट्स में रिप्लेस करते हैं, फ्यूल फिल्टर, ऑयल फिल्टर। तो हमारी वीडियो को स्किप ना करें और बने रहें हमारे साथ। तो इस गाड़ी का फैन भी चल चुका है, आप चेक कर सकते हैं। और कार में किसी तरीके की लीकेज नहीं है। तो अब इसमें हम गाड़ी में कूलेंट टॉप अप करेंगे और इसका सर्विस का प्रोसेस सब चालू करेंगे हम। तो कार से हमने इंटरकूलर रिमूव कर दिया है, इस कार का इंटरकूलर है, ये भी फुली चौक हो चुका है। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसका ईजीआर खोलने वाले हैं। तो ईजीआर खोलने के लिए हमारे को इसके पाइप से खोलने पड़ते हैं, बैटरी खोलनी पड़ती है, इनटेक की जितनी लाइन है हमारे को सारी खोलनी पड़ती है, ये कॉल टॉप की जाली खोलनी पड़ेगी मेरे को। और ये इसका इनटेक मैनिफोल्ड है और ये इसका इनके ईजीआर है, तो मैं आपको खोल के बताऊँगा। कार से हमने इनटेक की पाइप रिमूव कर दिए हैं, ये टर्बो का पाइप है और ये वैक्यूम का पाइप है, ये भी टर्बो का पाइप है और ये कूलेंट बॉक्स है हमारा और ये हमारा ईजीआर वाल है। और साथ ही साथ हम इससे इंटेक भी रिमूव करने वाले कार से, ये इसका इंटेक मैनिफोल्ड है, तो इसके लिए हमारे को ये कॉल टॉप खोलना पड़ता है इसका। फाइनली इस कार से इनलेट हमारा रिमूव हो चुका है, इसके नट बहुत ज़्यादा जाम से, इसमें बहुत ज़्यादा रस्ट लगा हुआ था, ये हमने स्प्रे लगा लगा के खोले हैं। और इसका ये बैंड पाइप है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कार्बन ऐड हो चुका है, मैं चेक करवाना चाहूँगा आपको, ये देखो
तो ये इनलेट भी हमारा पूरी तरीके से चौक हो चुका है। इसकी लोकेशन मैं आपको चेकआउट कराऊंगा, ये इसकी लोकेशन है यहाँ पे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा इसको क्लीन करना, तो हमारा क्लीनिंग का प्रोसेस चालू हो चुका है। ये हमने जितनी भी लाइन है इसकी सारी क्लीन कर रहे हैं इसको, उसके बाद हम इसकी असेंबली शुरू करेंगे। तो स्विफ्ट के जितने भी पार्ट्स कार से रिमूव किए थे मैंने, वो सारे मैंने वॉश आउट कर लिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये इसका इनलेट है, इसमें भी किसी तरीके का कार्बन नहीं है। तो आपने पहले भी देखा था इसमें कितना कार्बन जमा हो चुका था, मैंने ये साफ़ कर लिया है। इंटर कूलर मैंने क्लीन कर लिया है। ये इसकी पाइपलाइंस है और ये इसके नट्स बोल्ट हैं, इसको मैंने ऑयल लगा लिया हुआ है। सब इसकी फिटिंग करने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम इस कार का इनलेट फिट करेंगे। तो इनलेट में हमने यहाँ पे ऑयल लगा लिया है, इसमें बॉन्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ ऑयल ही लगाना है हमने। ये इसके बोल्ट्स हैं, इसमें 5 बोल्ट ऊपर लगते हैं और 4 बोल्ट इसमें नीचे वाली साइड में लगते हैं। इनलेट की सारी फिटिंग कंप्लीट कर दी है हमने। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा इसका ईयर वाला फिट करना हमने। तो ये इसका ईयर वाला है, इसको हम यहाँ पे फिट करेंगे। हमने इस पर पैकिंग लगा दी है और थोड़ा सा हमने इसमें बुलडॉग यूज़ किया है, हम एनामोल कम यूज़ करते हैं, बुलडॉग लगाते हैं इसमें। तो इसको फिट करेंगे हम। इसकी लोकेशन कुछ इस तरीके से रहती है, सो स्विफ्ट की हमने EGR की सारी फिटिंग कंप्लीट कर दी है और इसका हमने बम्पर भी फिट कर दिया है। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, करो स्टार्ट जी। तो गाड़ी हमारी 1 साल में स्टार्ट हो चुकी है। अब इस गाड़ी को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे, वार्म अप करेंगे और इसका इंजन ऑयल ड्रेन करेंगे और गाड़ी को लिफ्ट अप भी करेंगे और गाड़ी के नीचे वाली साइड से हम चेक करेंगे गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या पार्ट्स इसमें चेंज होंगे मेजर सर्विस में। तो मैं आपको इस वीडियो में बताता रहूँगा, तो वीडियो को आप स्किप ना करें, कंटिन्यू बने रहें इस वीडियो में। तो एक कार ये है स्विफ्ट डीजल 2013 का वेरिएंट है ये। सो हमने स्विफ्ट को लिफ्ट अप कर दिया है, तो हम इसका ड्रेनर खोलेंगे। ये इसका ड्रेनर है यहाँ पे और इसका हम गियर ऑयल भी चेंज करेंगे। गियर ऑयल का ड्रेनर ये है यहाँ पे और हमने चेक किया है इसके जो सस्पेंशन में प्रॉब्लम है, इसकी लिंक रोड ख़राब हो चुकी है। ये इसकी लिंक रोड है, ये इसकी लिंक रोड है और इसके जो आर्म के बूश होते हैं ये भी कट चुके हैं, आप चेक कर सकते हो। ये दोनों साइड के टूट चुके हैं और इसके जो कट बुश होते हैं, डी बुश इसको बोलते हैं, यहाँ पर इसकी लोकेशन है, इसको भी हम रिप्लेस करने वाले हैं। सस्पेंशन की फिटिंग के लिए हमारे को यहाँ से एंड रिमूव करने पड़ेंगे। ये इसका स्टीयरिंग एंड है, इसकी पिन लगी होती है, खोलो। सो ये इसका गियर ऑयल है, ये भी काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुका है। हाँ जी गियर ऑयल ठीक है, इंजन ऑयल तो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। और ये इसके गियर ऑयल का हाल है, तो इसको भी हम रिप्लेस करेंगे। सो हमने इस कार की सस्पेंशन कंप्लीट कर दी है, ये इसकी हमने लिंक रोड रिप्लेस की थी, स्टीयरिंग बॉल जॉइंट, ये स्टीयरिंग बॉल जॉइंट है, ये स्टीयरिंग एंड है और इसके जंपिंग अपने आर्म के बूश है और इसके डी बूश है, ये भी रिप्लेस कर दिया है। हमारा सस्पेंशन का काम इस कार में फाइनल हो चुका है और साथ ही साथ हम इसमें रिप्लेस कर रहे हैं इसका ऑयल फिल्टर। इसमें न्यू ऑयल फिल्टर है जो इसमें फिट करने जा रहे हूँ और राइट साइड से भी सस्पेंशन कंप्लीट हो चुकी है।
आप चेक कर सकते हैं। और अब हम इसके बाद डीजल फिल्टर इसका चेंज करेंगे। डीजल फिल्टर की लोकेशन कुछ इस तरीके से होती है, वो आपको सामने डीजल फिल्टर दिखाई दे रहा है, डीजल फिल्टर असेंबली। इसको भी हम यहाँ से रिमूव करेंगे और डीजल फिल्टर चेंज करेंगे इसका। और यहाँ पे इसकी एयर फिल्टर की लोकेशन है। और इसके बाद हम इसके रियर के ड्रम ओपन करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे, इसके शू चेक करेंगे। बाकी रियर सस्पेंशन में इसमें कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस कार में हमने इंजन ऑयल रिफिल कर दिया है। कार में हम इंडोमिशू का तेल यूज़ कर रहे हैं, 530 सेमी सिंथेटिक। अब इसके बाद हम गियर ऑयल टॉपअप करेंगे इसका, और कूलेंट भी टॉपअप करेंगे। गियर ऑयल इसमें मोबिल का यूज़ कर रहे हैं हम, 80-90 ग्रेड है इसका। तो यहाँ पे इसकी एयर फिल्टर की लोकेशन है, और इसका ये न्यू एयर फिल्टर है जो इसमें हम रिप्लेस कर रहे हैं। और इसमें हमने कूलेंट भी टॉपअप कर दिया है, ये हम कूलेंट यूज़ कर रहे हैं, 5 लीटर हम कूलेंट आ रहे हैं इस कार में। सो कार की मैक्सिमम फिटिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है। पीछे के लाइनर ओके थे, उसमें ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं थी, ये मैंने चेक कर लिया है। और टायर यहाँ पे रिपेयर के लिए गया हुआ है। सो फिर मिलते हैं इसकी फाइनल फिटिंग के बाद। सो स्विफ्ट की फाइनल फिटिंग हो चुकी है। एक प्रॉब्लम इसमें हमारे को और मिली थी, इसके जो मेन फाउंडेशन होती है जिसके ऊपर इंजन लगा होता है, ये हाइड्रोलिक माउंटिंग होती है, ये भी ख़राब थी, ये हमने रिप्लेस कर दिया न्यू। ये इसका पुराना पार्ट है, इसके कारण गाड़ी में वाइब्रेशन आ रही थी, ये भी बेकार हो चुका है, टूट चुका है इंटरनली। इसके अंदर हाइड्रोलिक ऑयल भी होता है, ये हमने न्यू रिप्लेस किया है। ये हमने MGP की रिप्लेस किया है, मारुति सुजुकी जनरल पार्ट। ये इसका MRP 4105 किया है। तो ये भी हमने फिट कर दिया है। तो अब आपको मिलते हैं हम रोड पे टेस्ट ड्राइव के साथ। सो फाइनली हम स्विफ्ट की टेस्ट ड्राइव पे आ चुके हैं। कार ओनर जो है गाड़ी की टेस्ट ड्राइव दे रहे हैं। सर तो कैसा फीडबैक है इस कार का? लाजवाब, सब देने हैं, बिल्कुल वाइब्रेशन फ्री, ऐसा लगता है जैसे शोरूम से लेके आया अभी। क्या बात है सर। तो आप देख सकते हैं गाड़ी का पिकअप, हम इसको चढ़ाई में चेक कर रहे हैं अपील में। तो फाइनली हमारी स्विफ्ट कार डन हो चुकी है, कैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी में रोड टेस्ट भी हो चुका है। तो ये हमारे सर है मिस्टर कटोच, इनकी ये कार है, ये कार ओनर है। तो अब इनसे जानेंगे, इन्होंने कार की टेस्ट ड्राइव लिया है। तो सर कैसा रिव्यू है इस कार का, और कैसी परफॉर्मेंस है इसमें पहले और अब में, क्या फ़र्क पड़ा सर इसमें? अब मैं तो क्या बोलूँ, मतलब गाड़ी पहले तो बिल्कुल पूरी वाइब्रेट कर रही थी, जैसे मैं मतलब जैसे ट्रक ड्राइव कर रहा हूँ। और अब जब आज इसको चलाया तो लगता है कि भाई पूरी बिल्कुल उसमें जो वाइब्रेशन वगैरह थी ये था वो सारी ठीक हो गई, बढ़िया। और सर गाड़ी में पिकअप? पिकअप तो बिल्कुल ऐसा आ गया जैसे मतलब जैसे नई गाड़ी का होता है, शोरूम में से लेके आए हो वैसा पिकअप। और कोई ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम तो नहीं थी कार में? इसमें पहले ओवर हीटिंग प्रॉब्लम नहीं, पहले धुआं निकलता था आगे से। मैं वैसे जैसे लंबी ड्राइव से करके आता था तो आगे से स्मेल और धुआं वगैरह आता था काफ़ी। अब आज जब अब चलाई तो अब लगा कि भाई नहीं है, सब कुछ नहीं है और बिल्कुल नई होगी गाड़ी। ठीक है सर, आपका बहुत धन्यवाद, आप ठीक है सर। तो ये थी कार स्विफ्ट जिसका हमने काम किया और आपको इस वीडियो में हमने सब कुछ बताया। तो आप हमारी वीडियो देखते रहें, अगर आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का जो बटन है उसको, सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ओके करें। जब जब मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा तो आपको नोटिफिकेशन ऑलरेडी आता जाएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।